नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यांजलि आईएएस की पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सीरीज में। इससे पहले 26 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। यदि इससे पहले के पार्ट्स आपने कवर कर नहीं किए हैं तो आप इससे पहले के पार्ट्स को कवर कर लें और फिर आप आइए 27 पार्ट पर। मेरा नाम है नरेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो क्वेश्चन नंबर आज है हमारा फर्स्ट, क्या है कि अमोंग द फॉलोइंग हु सपोर्ट्स, कौन समर्थन करता है द आइडिया ऑफ फोर्स्ड फ्रीडम, मींस जबरदस्ती आपको स्वतंत्र रखने की वकालत कौन करता है। तो इसकी वकालत करता है कौन, रूस हो, जे रूस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रूस हो। लेकिन अब आपको समझना होगा क्या कि ये फोर्स्ड फ्रीडम है क्या। देखो, फोर्स्ड फ्रीडम का मतलब ये है कि यदि आपको जबरदस्ती आपके साथ की जाए, वो भी किसके लिए, आपको जो है स्वतंत्र रखने के लिए आपके साथ जबरदस्ती की जाए, तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही कि आपको जबरदस्ती की जा रही है आपके साथ में क्या रहने के लिए, स्वतंत्र, तो क्यों फिर आप स्वतंत्र कैसे रहे। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि आप जो है आप बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, बाइक ड्राइव करते हैं तो आपके लिए क्या है, बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स। अब ये ट्रैफिक रूल्स क्यों हैं, आपके साथ आपका चालान भी किया जाता है, किस लिए कि भाई आप हेलमेट लगाओ। ठीक है, आप रूल्स को फॉलो करो, आप ड्रंक करके ड्राइव ना करो, मींस आपके लिए रूल्स बनाए गए वो किस लिए कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो सेफ रहे, और इन नियमों का पालन आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। जब आप नहीं मानते तो आपका चालान किया जाता है एटसेट्रा, बहुत सारे पनिशमेंट दिए जाते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती फ्री रखा जा रहा है, मींस आपके साथ ज़बरदस्ती क्या की जा रही है, आपका वेलफेयर किया जा रहा है, मींस आपके लिए एक गुड जेस्चर किया जा रहा है, गुड वर्क आपके लिए किया जा रहा है। तो इसी का एग्जाम्पल रूसो देते हैं, समझाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति यदि ड्रंक करके ड्राइव कर रहा है तो वो खुद भी स्वतंत्र नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में है। यदि कोई दारू पी करके गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उसकी खुद की लाइफ क्या है, खतरे में है, तो इसलिए उसके साथ क्या की जाएगी, ज़बरदस्ती की जाएगी और उसको फ्री रखा जाएगा, किससे, डेंजर से। डेंजर किसका, उसकी लाइफ के जाने का डेंजर। ठीक है, चलिए, तो ये सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए कहता है रूसो कि इंडिविजुअल्स कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, उनके साथ में ज़बरदस्ती की जा सकती है उनको फ्री रखने के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ रूसो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जो एक्चुअल डिज़ायर होती है, जो डिज़ायर का रैशनलाइजेशन अगर हम करें, उसकी सत्यता की जाँच करें, उसकी जो एक्चुअल डिज़ायर क्या है उसको यदि हम देखें, तो हर व्यक्ति मीन्स क्या चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, ज़िंदगी को जीना चाहता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, ठीक है, तो क्या उसको मरने दिया जाएगा, किसी कोई देख लेगा, गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह देखें, नहीं, उसको रोकेंगे। तो व्यक्ति मरने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन नहीं है, उसको बचाया जा रहा है, मीन्स उसकी लाइफ को क्या किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, जबकि वो व्यक्ति मरना चाह रहा है। तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल है कि इंडिविजुअल्स कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोंग द फॉलोइंग निम्नलिखित में से वॉट इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल से मैच नहीं खाता, मीन्स उसका समर्थन नहीं करता, मीन्स उसके जो है उसके लिए कंडूसिव नहीं है, उससे मैच नहीं होता, तो क्या है। एक एक करके देख लेते हैं, आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि भाई ये है होमोजेनिटी। चलो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। देखो, इक्वलिटी का मतलब क्या है, समानता, समानता। तो क्या होमोजेनिटी और इक्वलिटी एक दूसरे से मैच करती है? नहीं। देखो, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी कंट्री में से जितनी भी डाइवर्सिटी है उस सब को हम ख़त्म कर दें, नहीं, दैट इज़ नॉट मीन्स एज इक्वलिटी, उसका मतलब इक्वलिटी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इंडिया का, क्या यदि हम पूरे इंडिया में होमोजेनिटी ले आएँ, मतलब कि सारे के सारे जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, उन सबको समाप्त करके बोलें कि भाई नहीं, इंडिया में केवल आप इस्लाम को फॉलो कर सकते हो,
ये हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, होमोजेनिटी लाना चाह रहे हैं। तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है, रिलीजन ऑफ स्टेट क्या है वहाँ पे, वो है क्या, इस्लाम। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस्लाम का राज हो, मीन्स इस्लामिक लोग हों। ठीक है, दूसरा यदि हम चाहते हैं कि नहीं भाई इंडिया में एक ही तरह से क्या हो, मैरिज हो, तो ये क्या लाना चाह रहे हैं, होमोजेनिटी लाना चाह रहे हैं कि सब के सब कैसे हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो क्या ये होमोजेनिटी का मतलब इक्वालिटी हुआ? नहीं। दूसरा एग्जांपल और ले लो आप, कि मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई मेरे को नमकीन पसंद है। अब भारत सरकार एक कानून पास कर दे, बोले नहीं भारत में केवल आप नमकीन खा सकते हैं, ऑल सारे के सारे लोग केवल नमकीन खा सकते हैं, वो भी हल्दीराम की खा सकते हैं मान लीजिए, दूसरी कोई नमकीन नहीं बिकेगी। तो आपने होमोजेनिटी तो कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे इक्वालिटी आएगी। नहीं, डाइवर्सिटी को ख़त्म करना इक्वालिटी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी, इक्वालिटी के को कॉन्फॉर्म नहीं करता कौन, होमोजेनिटी। कि आप होमोजेनिटी ला करके इक्वालिटी नहीं ला रहे हैं, उससे तो इक्वालिटी खतरे में पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब बाकी के अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, हाँ आप इक्वालिटी के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कैसे? इंडिया में रिजर्वेशन है, यूएसए में भी एक प्रकार का वहाँ पर भी रिजर्वेशन है, प्रेफरेंस सिस्टम वहाँ पर है यूएसए में। जैसे एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं कि जैसे कि यदि आप जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जा रहे हैं, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। असम के ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप अरुणाचल जो है, मणिपुर, मिजोरम, उस एरिया में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज मिलेंगे कि वहाँ पर इंडिया के भी सिटीजन को नहीं जाने दिया जाता, उनको वहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं हैं। मीन्स तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए उन एसटी का कल्चर, उस जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बी क्या है, स्पेशल रिवार्ड फॉर स्पेशल एबिलिटी। भाई स्पेशल रिवार्ड और स्पेशल एबिलिटी के लिए अगर यदि हम दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की इक्वालिटी खतरे में पड़ रही है। नहीं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल सपोज करो आपने एक रेस को विन किया, आपको मिला गोल्ड मेडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, आपको खेल रत्न मिला, तो ये इक्वालिटी के खिलाफ नहीं हुआ, आपकी योग्यता थी, आपकी स्पेशल एबिलिटी थी, तो आपको गोल्ड मेडल मिला। कोई दूसरा भी उस उस एग्ज़ाम को या उस रेस को क्वालिफाई करेगा, उसको भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई आप इसको गोल्ड मेडल दे रहे हैं, बाकी हम और आप बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ खड़े हो जाएं कि नहीं साहब हमको भी गोल्ड मेडल दो, आप तो असमानता कर रहे हैं, आप तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो स्पेशल एबिलिटी के लिए स्पेशल रिवार्ड्स दिए जा सकते हैं, उससे इक्वालिटी को कोई खतरा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट के कुछ अफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं, जो स्टेट क्या कर सकती है, लोगों को कुछ बढ़ावा दे सकती है। वही फिर से हम इसको फिर से देख सकते हैं किसके जो है कंटेक्स्ट में, रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए EWS का भी कोटा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कोटा उनको दिया गया है 10% का, कि एफर्मेटिव कर रहे हैं। महिलाओं को कई जगह पर क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट क्या कर रहा है, कि कुछ लोगों को एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया जा रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या था कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें कौन कौन ऐसे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के साथ में मैच खाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के साथ में जो मैच करते हैं वो ये तीन ऑप्शन हैं। होमोजेनिटी इक्वालिटी के साथ मैच नहीं करता, यदि आप होमोजेनिटी की तरफ मूव करेंगे तो इक्वालिटी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, बाकी ये आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा सारे ऑप्शंस को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ज़्यादातर की मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे वो UPSC हो, PCS हो, PGT हो, या आपका नेट हो, GRF हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या है। तो ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है।
कि जॉन्स रॉल्यू सॉरी जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज नॉट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड नहीं है। ये देख लो, जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये देखें कि वहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं दिया गया है, उसका डायरेक्टिव वर्ड क्या है। कई बार जल्दी जल्दी में वो पूछ, आप पढ़ करके चले आएंगे और टिक करके आ जाएंगे कि जॉन रॉल्स की थ्योरी से क्या रिलेट करता है, तो आप तो ये सोच करके आएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले देखो कि वह नॉट है या क्या है। चलिए देखते हैं, नहीं है मतलब प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, हाँ ये जॉन रॉल्स की थ्योरी से रिलेट करता है। इन सबको एक एक करके देख लेंगे हम। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये तो उसका भाई मेन सिद्धांत है, तो ये कैसे नहीं होगा, तो ये भी आंसर, ये भी मीन्स इससे रिलेट करता है, किससे, जॉन रॉल्स की थ्योरी से ऑफ जस्टिस से। फिर क्या है, इक्वल लिबर्टी, हाँ ये भी करता है, सबको समान स्वतंत्रता आप दीजिए, ये भी कहते हैं कौन, जॉन रॉल्स। लेकिन जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है इसका समर्थन ये जॉन रॉल्स नहीं करते, ठीक है। अब आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी में आप भूलोगे नहीं कि जॉन रॉल्स की एंटाइटलमेंट थ्योरी से इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं है, और कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, और ये इस एंटाइटलमेंट थ्योरी से किसका रिलेशन है किसका, तो ठीक है रॉबर्ट नॉजिक का इससे है, नॉजिक का, ठीक है, उसको हम याद कर लेंगे अभी, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, इसका सीधी सी बात है, देखो प्योर का मतलब शुद्ध, और प्रोसीजरल, प्रोसीजरल मतलब जो प्रोसेस है। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि यदि आप आपकी जो प्रोसेस है वो प्योर है तो व्यक्ति को जस्टिस मिल जाएगा, अन्यथा उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। मींस ये किस पर फोकस करते हैं कि भाई जो प्रोसेस है वो प्योर है कि नहीं, कैसे, कि डिस्क्राइब्स, ये जो प्रोसीजरल जस्टिस है क्या, डिस्क्राइब सिचुएशंस इन विच देयर इज नो क्राइटेरियन फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जस्ट आउटकम अदर देन द प्रोसीजर, ठीक है भाई, और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा और कोई पैरामीटर नहीं होगा सिवाय इसके कि बस एक ही चीज पे फोकस किया जाएगा कि प्रोसीजर क्या था जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो जॉन रॉल्स इसका समर्थन करते हैं, ये इसका वकालत करते हैं। फिर आती है व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, ठीक है, ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, मींस इसको सिंपल ऐसे समझो, वेल, वेल मींस एक पर्दा, इग्नोरेंस का पर्दा, इग्नोरेंस का पर्दा कैसे, ठीक है, इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि ये एक पर्दा है, ठीक है, और इसके पीछे इस दुनिया के सारे लोगों को हम खड़ा कर दें यहाँ पर, यहाँ पर, अब इनको कुछ नहीं पता कि इधर क्या है, ठीक है, इनको किसी को नहीं पता कि इनको उधर जा करके क्या मिलने वाला है, और अब इनसे डिसीजन करवाए जाएँ कि चलो भाई डिसीजन लो आपको जो है क्या चाहिए, तो व्यक्ति कहेगा मेरे को मान लीजिए जो है 1 बीघा जमीन चाहिए, ठीक है, ठीक है, इसको बोल दिया ठीक है आपको मिल जाएगी, तो इसको नहीं पता कि ये जमीन खराब है अच्छी है, ये जमीन जो है सिटी के अंदर है या खेत के अंदर है, मींस जो है जंगल के अंदर है, कहाँ है, इसको किसी को कुछ नहीं पता। अब जैसे इसको अगर पता होता कि भाई जो इंडस्ट्री है, जो सिटी है, वहाँ की जमीन की ज़्यादा कीमत है, तो ये क्या बोलता, ये क्या बोलता, नहीं मेरे को तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन चाहिए, तो बस चीज़ें यहाँ से बिगड़ना शुरू हो गई। तो जो आपका जॉन रॉल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई पर्दे के पीछे न्याय होना चाहिए, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, सबको इस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए, किसी को पता ही ना हो कि किसको वहाँ जाकर के डिसएडवांटेज होगी और किसको नहीं होगी। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस की भी बात करते हैं कौन, जॉन रॉल्स, और जॉन रॉल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, उन्होंने दिया। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर चोजन बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक क्या कह रहे हैं कि एनी वन हु अक्वाइर्ड, मतलब इसको मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि जिसने जो भी कमाई की, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास कार है, उसके पास बैंगलो है, ठीक है, जो जिसके पास है उसने कमाया वो उसका है, अब उसने कैसे हासिल किया इट डजेंट मैटर। मीन्स यदि व्यक्ति के पास जो है उसको उसको रखने दिया जा रहा है कि आपके पास मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपये हैं, तो आप वो आपको बोल दिया जाए ठीक है ये तुम्हारे हैं, तो रॉबर्ट नॉजिक के अकॉर्डिंग ये क्या है, न्याय है, और जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये अन्याय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंटाइटलमेंट, ये सब वो अभी जो बताया कि जो नॉजिक थे उनके अनुसार क्या था कि भाई जिसके पास जो संपत्ति है जो चीज़ है वो उसको रखने दी जाए,
बशर्ते उसमें इतनी बात हो कि वो लेजिटिमेट हो, मीन्स उसने जो हासिल की हो वो लेजिटिमेट तरीके से हासिल की हो। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी दी तो उसका विरोध किया किसने, जो इसने, रॉबर्ट नॉजिक ने। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, एक रॉल कहते हैं द स्टेट शुड हैव वॉट एवर पावर्स आर नेसेसरी, मतलब ये कहते हैं कि स्टेट के पास वो पावर होनी चाहिए जिससे कि उन सारे के सारे व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा सके, और स्पेशली किसके साथ, जो मतलब सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है, सबसे गरीब है, उसको इतना संपन्न बनाया जा सके, उसके पास इतनी वेल ऑफ हो, वेल टू डू वो हो कि जितना वो हो सकता था। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके पास आज 100 ही रुपये हैं, और एक जगह अंबानी भी बैठा हुआ है, उसके पास 1,000 करोड़ रुपए में है। तो ये कहते हैं कि इस 100 रुपये वाले को उतना समृद्ध बनाए सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट, कि जितना ये हो सकता था। कितना हो सकता था, मान लो इसके पास भी 1,000 करोड़ रुपए हो सकते थे। ठीक है, तो न्याय हो रहा है उसके साथ में, अन्यथा न्याय नहीं है। दिस व्यू पॉइंट इज डेराइव फ्रॉम जॉन रॉल्स की थ्योरी से इसको लिया गया है, किसको, ये जो इसको जो विरोध किया गया है कि उस व्यक्ति के पास में उतना होना चाहिए जितना कि वो हो सकता था। कितना हो सकता था भाई, ये नहीं पता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कहते हैं भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का विरोध करते हैं, कौन, जॉन रॉल्स, जबकि नॉजिक क्या कहते हैं, नॉजिक ने जॉन रॉल्स को रिस्पॉन्ड किया कि सुनो साहब, रॉल साहब, वो जॉन रॉल साहब, ये बात समझ लो कि टू सर्च आर्ग्यूमेंट्स इज टू क्लेम दैट द रेस्ट ऑन अ फॉल्स कंसेप्शन। बोला आपके जो कंसेप्शन है श्रीमान वो सब फॉल्स हैं और ऐसा कुछ नहीं है, और इक्वलिटी और जस्टिस लोगों को तब मिलेगी जब लोगों के पास वो होगा जो उनको रखने दिया जाएगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकली किसी के साथ में क्या न्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। मीन्स कि जब इस अर्थ पर पूरी तरफ मान लीजिए जंगल थे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने इतना सारा एरिया कवर कर लिया, किसी ने इतना एरिया कवर कर लिया, तो नॉजिक कहते हैं जिसने जो कवर कर लिया वो उसका है। और जॉन रॉल्स क्या कह रहे हैं, नहीं भाई, उस समय जिन लोगों ने कवर कर लिया जरूरी नहीं है वो अब उन्हीं का हो गया, क्योंकि अर्थ को किसी ने बनाया तो है नहीं। कार्ल मार्क्स भी कहते हैं इसी बात को। तो बात यहाँ पे अब क्लियर हो गई होगी कि जो नॉजिक है वो कहते हैं जिसके पास जो है उसको रखने दिया जाए, बस वो लेजिटिमेट हो। रॉल्स कहते हैं कि भाई नहीं, इसका पुनर्दोबारा से क्या करो, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों ने पहले उल्टे पुल्टे तरीके से चीज़ों को कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या चीज़ कॉन्फॉर्म नहीं करती, उसके साथ में नहीं चलती, कौन इसके विरोध में है, ऐसे सोच लो आप। मतलब नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी, जो मीन्स उसके संगत नहीं है, उसके इक्वल में नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करती, मतलब वो उसके अगेंस्ट में हो सकती है। तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या भैया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है? नहीं, ये तो वो चीज़ है जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता, कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता, कोई इसमें जो पेस्टिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड्स या जो फंजीसाइड्स, ऐसी कोई दवाएं यूज नहीं होती। तो ये तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एनवायरमेंटलिज्म, ये तो भैया इसी का ही एक अंग है, मींस वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एनवायरमेंटलिज्म से ही एक बात और जुड़ी हुई है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कह रहे हैं इनफाइनाइट डेवलपमेंट, भैया अनंत अनंत डेवलपमेंट, ये कैसा हुआ भाई, ये तो नुकसान करेगा। मींस डेवलपमेंट भी कैसा हो, वो ऐसा हो जो एनवायरमेंट के साथ चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चले। तो यही हमारा क्या हुआ, यही ऑप्शन हमारा गलत है, कि यही मतलब जो इनफाइनाइट डेवलपमेंट है, इनफाइनाइट डेवलपमेंट, अनंत विकास, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो सी करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन क्या है, गांधीज्म, भैया गांधीज्म तो मतलब गांधी जी तो जो बाबा है वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते थे, वो तो कहते थे भाई गाँव में जो है छोटे छोटे तरीके से जो है प्रोडक्शन हो, हाथों से प्रोडक्शन हो, ठीक है, हथकरघा उद्योग का जो है जन्म हो, हैंडीक्राफ्ट उसको सपोर्ट करे गवर्नमेंट, मशीनों से ज़्यादा दूर रहा जाए, हैवी मशीन का विरोध करते थे गांधी जी। ठीक है, ऐसी किसी भी मशीन का विरोध करते थे जो इंसान की लेबर को ख़त्म करे, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे, प्रदूषण फैलाए, तो गांधी भी इसके समर्थन में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशन ऑन मूव। ये किसने कहा था कि भैया नेशन ऑन मूव, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जब भारत का ये संविधान जब बन रहा था तो उसको कौन बना रहा था संविधान को, तो उसको बना रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, नेशन ऑन मूव, आगे बढ़ता हुआ देश है हमारा। तो ये कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आज हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, आप इसको क्या करें, बार बार एक व्यू करें, और जो भी टॉपिक आपको लगे कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है या दिक्कत है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूँगा। आप उसमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको दिक्कत है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उस पर हम कॉन्टैक्ट करेंगे, मीन्स कोशिश करेंगे कि आपके उन डाउट्स को क्लैरिफाई हम करें। और ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल या नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और तरक्की के साथ में, तरक्की के लिए आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।